गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 1 सितंबर 2022। कल गणपति के लिए हमारा इंडियन मार्केट हॉलीडे था, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में काफी एक्टिविटीज हुआ है। तो आइए देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है एंड और यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स है अभी 109 पॉइंट्स पे, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आपका 109.50 से 110.00, उसी लेवल पे यहाँ पे पॉज लेके थोड़ा सा टाइम पास कर रहा है। वी नीड टू वेट फॉर ब्रेकआउट और दिस रेजिस्टेंस मीन्स इज रेस्पेक्टेड। यहाँ पे एक कंसर्न है कि प्राइस काफी टाइम पास कर रहा है एट रेजिस्टेंस लेवल। जब भी कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल पे काफी ज्यादा टाइम पास करता है ना, तो देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि वहां पे वो रेजिस्टेंस को या सपोर्ट को ब्रेक कर दे। तो यहाँ पे यही है कि इतना ज्यादा टाइम पास कर रहा है कि इसमें आपका प्रोबेबिलिटीज लग रहा है कि रेजिस्टेंस को आने वाले कुछ समय में इसको ब्रेक कर देगा। अदरवाइज क्या होता है, रेजिस्टेंस में आने के बाद काफी जल्दी से वो रेजिस्टेंस एरिया को छोड़ देता है। यहाँ पे देखिए, इस लेवल पे था आपका 14 जुलाई एंड काफी शार्पली ये नीचे आ चुका था, लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। डॉलर रुपी में हम देखेंगे कि ट्यूसडे को यानी 30th of August को आपका काफी अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया है। Means good amount of inflows are there in the market, means bond market related inflows hit the market, जिसके लिए ये जो trend line था, trend line को break करके नीचे आया था, लेकिन closing on trend line था। कल का जो activities है वो हमारे India market के activities के लिए नहीं है, but maybe some NDF related guys have sold here. तो हमें अभी क्या देखना है कि 30th अगस्त का लो के नीचे अगर एक घंटा सस्टेन कर जाता है, दैट मींस आपका 79.45 के नीचे एक घंटा सस्टेन कर जाता है, देन देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि ये थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है एंड मे बी टुवर्ड्स 79.20 की तरफ जा सकता है। अगर ये कल के लो को तोड़ता नहीं है एंड थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद फिर वापस ऊपर की तरफ चला जाता है, इन सच सिनेरियो फिर दोबारा ये 80 टेस्ट करने का प्रोबेबिलिटीज बन सकता है। जीबीपी डॉलर में काफी क्विकनेस है एंड आप देखोगे कल के दिन में ये ट्रेड जो हुआ है 1.1693 ऑन द हायर साइड एंड 1.1598 ऑन द लोअर साइड, एंड ये आपका जो 250 basis points का जो एक support level है 1.14 level से 1.1650 इस territory में आ चुका है। 250 pips का एक resistance level है, ये काफी पुराना 250 pips का एक support level है, ये काफी पुराना support level है and यहाँ पे थोड़ा सा काफी means हम time pass करेगा, means even 1.14 की तरफ भी जाएगा तो काफी sell off हो सकता है एंड प्रोबेबिलिटीज काफी हाई है। ये जीबीपी आईएनआर में हम देखेंगे तो जीबीपी आईएनआर में हमने यहाँ पे देखा था कि 93.10 से 93.4050 ये एक सपोर्ट लेवल था, ये उसको आपका मंगलवार को ही 30th अगस्त को ही तोड़ चुका था एंड अभी एक जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है आपका 91.50 से 91.70 के आसपास। तो हमें वही देखना है कि यहाँ पे सपोर्ट लेता है या फर्दर नीचे की तरफ आता है। यूरो डॉलर में लेकिन उस टाइप का डैमेज हम देख नहीं पा रहे, उल्टा वो लोअर लेवल से काफी कंसोलिडेट करके बाउंस करने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है आपका 1.0130 से 1.0150 के। यहाँ पे यूरो एनआर हम अगर देखेंगे, यूरो एनआर में काफी कंसोलिडेट वही लोअर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है एंड ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है वो 80.50 एंड नीचे की तरफ जो सपोर्ट हो सकता है वो 79.00 से 79.20 के आसपास हो सकता है। डॉलर येन में काफी ये ऊपर की तरफ जा रहा है एंड जस्ट इट इज ट्राइंग टू ब्रेक द रेजिस्टेंस लेवल एंड ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देगा तो और भी ज्यादा ऊपर की तरफ जाने का
प्रोबेबिलिटीज है। आरएसए टर्म्स में काफी स्ट्रेंथ दिख रहा है, तो दैट बीइंग द केस ENINR में अनटिल अनलेस कोई स्पेसिफिक सेल ऑफ न आए बाय डिप्स मे बी कंसीडर्ड हियर। ENINR में काफी वीकनेसेस है एंड वो जो इमीडिएट आपका सपोर्ट लेवल था दैट इज 0.5700 उसको तोड़ के नीचे आ चुका है एंड उसके बाद जो हमारा इमीडिएट सपोर्ट लेवल हो सकता है पहला सपोर्ट होगा 0.565060 एंड उसके बाद का जो सपोर्ट लेवल हो सकता है 0.5600 से 0.5610 की तरफ। डॉलर कैंडी में हम देखेंगे कि ये भी काफी मीन्स कैंडी वीक हो रहा है अगेंस्ट डॉलर्स एंड ये यहाँ पे सपोर्ट लेके 1.30 के आसपास वापस सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ गया है। ये आप देखोगे कि 1, 2, 3, 4 फिफ्थ टाइम ये ब्रेक करके ऊपर गया है, पहले 4 बार कोशिश किया था लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया, वापस नीचे की तरफ आ चुका है एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम ये कन्विंसिंगली वापस ऊपर की तरफ जा रहा है एंड फॉलो थ्रू इज देयर। आप देखो कि 26 अगस्त का एक ब्रेकआउट दिया था, 29 को एक मीन्स हेजिटेशन कैंडल आया था एंड फिर आपका 31st एंड 1st ये फॉलो थ्रू दे रहा है ऊपर की तरफ। दैट मींस ये हमारा जो अभी माइनर रेजिस्टेंस लेवल्स होगा वो होगा आपका 1.3230 से 1.3250 की तरफ एंड उसके बाद आपका आ सकता है 1.3400 से 1.3425 की तरफ। ऑसी डॉलर अगर हम देखेंगे, ऑसी डॉलर में भी काफी अच्छा खासा वीकनेस है, तो आपका जो सपोर्ट लेवल था 0.6850 0.6860 उसको तोड़ के नीचे आ चुका है। दैट बीइंग द केस अभी हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आएगा वो आएगा आपका 0.6680 से 0.6700 की तरफ। यहाँ पर भी काफी वीकनेसेस है, आरएसए टर्म्स में भी काफी सेल ऑफ दिख रहा है। सीएनएच में देखेंगे इसमें आपका 30 अगस्त को अच्छा खासा ऊपर था एंड उसके बाद कल ये थोड़ा सा सेल ऑफ दिखा गया है। अभी यहाँ पे आपका 29 अगस्त के हाई के ऊपर अगर ऊपर चला जाता है देन और भी न्यू फ्रेश रिसेंट स्विंग है हम देख सकते हैं यहाँ पे। ब्रेंट ऑयल में हम देखेंगे, ब्रेंट ऑयल में ये जो डब्ल्यू पैटर्न का हमारा जो एक्सपेक्टेशन था एक्चुअली 109 के आसपास था विथ इमीडिएट रेजिस्टेंस 107.50 के आसपास। ये आपका 29 अगस्त को जो हाई मारा है वो 105.40, तो उसके बाद बैक टू बैक 2 दिन नीचे की तरफ आ चुका है बिकॉज देयर आर सम हम अगर इसको फंडामेंटल पार्ट में देखने का कोशिश करेंगे सम सॉर्ट ऑफ नेगोशिएशंस बिटवीन यूएस एंड ईरानियन ऑयल सप्लाई, उसके ऊपर काफी कुछ एक्टिविटीज हो रहा है, इसके लिए सप्लाई ज्यादा होने के कारण एक्सपेक्टेशंस में ये फिर दोबारा सेल ऑफ हो चुका है। ये तो हो गया आपका फंडामेंटल, लेकिन हमारा जो डब्ल्यू का जो टारगेट था वो टारगेट फेल हुआ है, मींस पार्शियली ऊपर जाके फिर दोबारा नीचे की तरफ आ चुका है। दैट बीइंग द केस अभी फिर दोबारा ये 90-91 के तरफ 91-91.50 के तरफ टेस्ट करने का प्रोबेबिलिटीज हो सकता है। 10 ईयर यूएस ट्रेजरी में हम अगर देखेंगे ये हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है दैट इज 1.2500 के आसपास, उसको ऑलमोस्ट आने वाला है, तो यहाँ पे आपका अच्छा खासा और ऑल्सो लॉट मेनी ऑफिशियल्स फेड ऑफिशियल्स आर गिविंग डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ कमेंट्स, इसके लिए काफी ऊपर की तरफ है ये। अगर 3.25 तोड़ने के बाद जो हमारा आ सकता है दैट इज 3.50, तो यहाँ पे आपका एनी डिप में बी बॉट इन दिस इंस्ट्रूमेंट। तो प्री मार्केट एनालिस्ट अभी के लिए इतने, आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।